हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रोब्लॉक्स वीडियो। तो आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड स्कूल हॉबी, और मुझे समझ नहीं आ रहा इतने सारे स्कूल हॉबी के कमेंट कैसे आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि गेम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए तो आज खेलना ही पड़ेगा। और ये बंदा स्कूल में कॉलेज में तो पूरा कोट सूट पहन के आया यार, और आगे एक बंदा है डमी जो हमें सिखा रहा है बार बार क्या करना है। और ये लावा देखो फिर से आ गया गाइस, जो मैंने एक ही बार में पार कर दिया, क्योंकि इतनी बार आया ना ये कि कोई भी कर लेगा इतनी बार खेल के ऊपर चढ़ के। अब यहाँ पर यार एसिड है, तो इस एसिड से हमें जाना है गाइस। और क्या ही हर हर एसिड है यार, मतलब अलग ही चमक रहा है, एक डिज़ाइन दिया है इस एसिड को। ये बंदा पीछे क्यों आ रहा है? अरे मेरे भाई उल्टा जा रहा है, उस साइड जाना है अपन को। तो ये अच्छा, इसका नेट जा रहा है, मुझे लग रहा है इसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और अब चलते हैं आगे, चेक पॉइंट मिल गया। ये कहाँ गेट में घुस रहा है, यहाँ से जा सकते हैं क्या? अरे यहाँ से नहीं जा सकते। और ये है लेज़र गाइस, लेज़र थोड़ा फर्जी सा लग रहा है, आराम से हो जाएगा ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते आ जाओ। और ये क्या है, आर्ट क्लास है ये, और आर्ट क्लास में देखो क्या क्या रखा है। ये पेंसिल रबर इतनी बड़ी बड़ी है, और पेंसिल के पीछे भी रबर लगी है गाइस। और ये क्या है, ये शार्पनर है क्या? और ये रबर वाली पेंसिल यार, जिसने यूज़ करी यार लाइक कर दो यार वीडियो को, मतलब मैंने भी यूज़ करी एक टाइम पे ये। और इसमें भी अलग अलग डिज़ाइन आते थे, स्मेल वाली भी आती थी अलग अलग खुशबू वाली, याद है आपको? तो यहाँ पे ये क्या है, डोर्स आर लॉक्ड, अच्छा टीचर आने वाली है शायद। तो यहाँ पे अरे वायर फ्रिज तो खुल गया पहली बार में, मैं सोचा था कि कबर्ड में जाऊँगा अगर फ्रिज में नहीं जा रहा तो। और ये लोग ऊपर से कहाँ गिर रहे, यहाँ पे कुछ क्या, अरे ये क्या है, अरे भाई ये क्या है यार, ये तो स्क्विड गेम वाला, ये इधर मुंह डाल के क्या बैठा है यार, ये कुछ अलग लॉजिक लगा इन लोगों ने। तो यहाँ पे ये फ्रिज है शायद से, तो इस फ्रिज से होते हुए हमें जाना है और यहाँ पे छुपे रहना है क्या? ये तो बड़ी सी दूध की बॉटल है, क्या है ये दूध का, अच्छा पैकेट है ये, तो ये है पैकेट। और यहाँ पर यार जाना कहाँ है हमें, मुझे लग रहा है यहीं बैठे रहना, उसके बाद वापस जाना होगा। तो ये मिल्क कौन सा मिल्क है, ये नाम भी नहीं लिखा है इसका, सिर्फ मिल्क लिखा है। और ऊपर से बंदे गिर रहे हैं, पता नहीं क्या है ऊपर। और यहाँ पे ऊपर आना था अपन को, ये देखो ये रेफ्रिजरेटर है गाइस, मतलब फ्रिज है। तो यहाँ पे ना ये सामान रखे अलग अलग, इससे बचते हुए जाना मेरे हिसाब से, टच नहीं करना है हमें। तो इसके अपन आगे जाके यार कुछ दिख तो है नहीं रहा मुझे, जाएंगे कहाँ अपन इधर? ये देखो ये लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक सीढ़ी है, तो वो तो इसको टच करके जाना पड़ेगा। चलो टच करने पे आउट तो नहीं हो रहा है, अब अपन सीढ़ी चढ़ के चलते हैं। ये एक और मिल्क की बॉटल पे आ गए, और अब जाना है इधर से जाना है। तो यहाँ पे एक रास्ता दिया है यार, इसका यूज़ कर लेते हैं। अरे यार थोड़ी सी गलती हो गई, नीचे गिर गया मैं। वैसे ये पाथ अच्छा है अगर अपन यहाँ से जा सकते हो तो ये ना बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। अरे यार ये क्या है, अच्छा मुझे लग रहा है सिर्फ दिखाने के लिए रखा है, इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे अलग अलग बॉटल रखी है, ये कोको कोला है क्या, ये गोला गोला ऐसा कुछ लिखा है, ये पेप्सी की बॉटल लग रही है। और ये क्या है, ये अलग अलग वो है नूडल्स में डालने वाला सूप लग रहे हैं, सूप नहीं क्या बोलते यार इसको, सॉस, तो सॉस है ये। और इसके बाद देखो गाइस ये क्या है, ये चिंगम चबा के किसी ने ऐसे चिपकाई है क्या, क्या है ये? और इधर एक सीढ़ी दी है गाइस, इससे अपन को चढ़ के चलना है ऊपर की तरफ। और ऊपर यहाँ पे एक और फोटो लगी है, बंदे की फोटो हर जगह लगी है। और ये देखो अंडे की क्रेट है गाइस ये, और इससे अपन को टच कर सकते हैं चलो। और यहाँ पे जो टूटे अंडे ना, इसके ऊपर से चढ़ के जाना है। ये ऑमलेट भी इधर टूट के, मतलब ऑमलेट बन गया, इतना गर्म होगा इधर। और ये जो आधे आधे अंडे हैं, इसके ऊपर से चल के अब कहाँ जाना है यार, यहाँ पर तो रास्ते ही नहीं है। एक सेकेंड यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कूद जाएगा, अरे कूद गया ये तो। और अब अपन सीढ़ी चढ़ के चल जाते हैं, ये इनको थोड़ा सही से बनाना था, कोई और होता ना मेरे हिसाब से कंफ्यूज होता, वैसे मैं भी हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ था। अब अपन को चलना है गाइस ये इस साइड से, नहीं इस साइड से जाना शायद से, लेफ्ट साइड में तो लग नहीं रहा मुझे, राइट साइड से जाना होगा। तो राइट साइड में जाके देखते हैं अपन पहले। तो एक पूरा अपन को ना सर्कल मार के जाना है गाइस, बहुत ही लंबा रास्ता है। चलो अपन जल्दी स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम पास करके बिना। और ये देखो ये क्या है, इसके ऊपर से जाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, वरना अपन आउट हो सकते हैं। तो इसके आराम से होते हुए जाएंगे अपन बिल्कुल ही, और ये हो गया। चलो अब आगे आ जाओ गाइस, यहाँ पर एक और सीढ़ी दिए, ये सीढ़ी चढ़ के चलते हैं अब। और यहाँ पर अपन आ चुके हैं, फ्रिज के बाहर आ गए गाइस फाइनली, बहुत ही बड़ा फ्रिज था यार। और अब अपन को कहाँ जाना है, ये गेट से जाना है क्या? अच्छा हाँ ये गेट से जाना है गाइस। यहाँ पे कुछ किताबें रखी हैं, और किताबों के देखो ये इक्वेशन आगे रखे हुए हैं, तो ये आगे से जाना है अपन को। ये देखो क्या है, ये मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है, उसके बाद ये फोर है, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन है, और ये क्या है, ये सेवन है, अच्छा सेवन है मुझे लगा एल है, फिर ये वन है गाइस। और ये अपन ने सारे नंबर्स को कम्प्लीट कर दिया है। ऊपर से क्या गिर रहा है ये,
अरे ये देखो भाई, ये स्लोप है, यहाँ से कुछ गिर रहा है, मैं छुप के देख लेता हूँ। और यहाँ पे इस गेट से जा तो नहीं सकते, गेट बंद है गाइस। अरे यार ये दोनों साथ में आ रहे, ये कौन भेजा यार, दोनों साथ में ही भेज दिए, सेब और डक। अब एक एक करके आएंगे तो अपन कर भी सकते कुछ, साथ में क्या करेंगे। तो पहले तो खराब लगता गाइस, लेकिन इस बार नहीं होगा मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है इस गेट के अंदर घुसेगा, नहीं घुस रहा यार। तो अभी एक एक करके आ रहे हैं, तो ये काफ़ी सही है। और लेफ्ट राइट होके जाना है मुझे, अब पता नहीं कौन सा आएगा, इसलिए अपन बीच में चलते हैं। ये डक आई, थोड़ा लेफ्ट ले लेते हैं। अब सेब आएगा मेरे हिसाब से, थोड़ा राइट ही हो जाते हैं पहले से। और सेब आया, और अब मैं क्लोज आ चुका हूँ गाइस, अब कुछ मत आ जाना यार, अब मैं आउट हो जाऊँगा। अरे बच गया, बहुत ही क्लोज, जल्दी चढ़ जाऊँ मेरे ऊपर ही गिर जाएगा नहीं तो। चलो आगे गाइस, अब अपन को देखना है यार, एक बार यहाँ से आ रहे क्या, नहीं एक बार आ गए तो फिर नहीं आता। और अब यहाँ पर पीई कोर्स है ये, और पीई कोर्स में मज़ा आएगा गाइस। ये देखो फिजिकल एजुकेशन नहीं अपना, और क्या ही बनाया यार कोच ने, बिल्कुल खतरनाक ही बनाया है। तो ये ट्रैक तो बहुत ही तगड़ा बनाया गाइस, ये देखो आगे टायर वायर रखे हैं, पूरी ट्रेनिंग होने वाली है इधर। तो ये हमने चेक पॉइंट ले लिया गाइस, अब टायर के ऊपर से चलते हैं। टायर के बीच में गैप है, लेकिन उस गैप से ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, तो ये काफ़ी ईजी होने वाला है अपने लिए। तो अभी ये 2 मिनट में पार कर देते हैं बस। अपन आगे देखो लावा है गाइस, गलती से भी गिन नहीं सकते अपन। और ये क्या है, ये कोई अलग ऑब्स्टिकल है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है मेरे लिए तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है यार। और ये देखो गाइस, ये देखो, ये ना पहले मैं देखता था यार, ये ना बाहर चलता है, ये US में, यूनाइटेड स्टेट्स में चलता है ये मुझे करना था यार। और आज इस गेम में मौका मिल रहा है, रियल में तो कभी नहीं मिलता ना, क्योंकि अपने स्कूल में कहाँ होता है ये सब, अपने स्कूल में तो सिर्फ इंडियन स्कूल में पढ़ाई होती है और कुछ नहीं होता। तो ये यार चलो अपन ने कुछ तो किया, कहीं तो किया ये। और ये आ गए अपने हर्डल्स गाइस, अभी हर्डल्स को देखो मैं कैसे एक बार में पार करके दिखाता हूँ, इतनी अपनी एक्सपर्टीज है, देखो बिना रुके कर दिया। और अब आते हैं अपन इधर, ये क्या है, ये कुछ अलग ही है, इसको जल्दी से करते हैं पार। अरे यार मेरा जंप नहीं दबा, कोई बात नहीं, इजी है, अभी हो जाएगा ये तो। तो आगे कुछ यहाँ पे स्टिक्स रखी है लंबी लंबी, ये स्टिक्स से अपन को बैलेंस बनाते हुए जाना है, गलती से भी नीचे नहीं गिरना है। और बस एक स्टिक और ये भी हो गया। और ये है हमारा एग्जिट पी रूम का। और ये क्या है, वन ऑफ दिस लॉकर्स, ये लॉकर अलग ही दिख रहा है ये देखो। तो ये लॉकर तो खुल गया है, और अब मैं आ चुका हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे अब कहाँ जाना है, ये कौन सा एरिया यार, ये कैंटीन है क्या। अच्छा अपन छोटे हो चुके हैं और लॉकर के अंदर आ चुके हैं, और लॉकर में ये सारा सामान रखा है। तो ये किसी ने शायद चिंगम चिपका के रखी है गाइस। और ये है अपना डोनट, कोको कोला भी है यार, कॉपीराइट लग जाएगा इन लोग को, पूरा नाम लिखा हुआ है। ये स्केल रखी है यार किसी ने कोको कोला के साथ, और ऊपर सीढ़ी भी है, सीढ़ी में अच्छा ये किताब है, मुझे लगा सीढ़ी है, सीढ़ी अच्छा किताब में लगा के रखी है अपने जैसे लोगों के लिए। और ये बड़ी बड़ी किताब रखी है, थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा, नीचे नहीं गिर जाऊँ मैं। और थोड़ा सा चिपक के चलते हैं, ये एक और चिंगम है गाइस, और ये स्ट्रॉ निकल रहे हैं, और ये बगल में कुछ रखा है बड़ा सा। तो ये स्ट्रॉ से तो आ गए हम लोग। ये देखो पेंसिल कैसे रखी है, बहुत ही तगड़े तरीके से रखी है, मतलब अगर तुम लेटा के रखते ना हम ऊपर नहीं जा पाते। तो जिसने भी रखी यार बहुत बहुत थैंक यू। और ये देखो फ़ोन रखा यार, किसी का आईफोन रखा है, तो ये आईफोन के ऊपर ये देखो डार्ट खेले हुए हैं, और ये डार्ट से अपन को ऊपर चढ़ के रखना है, बहुत ही अच्छा बना यार, कॉन्सेप्ट बहुत ही सही है। तो ये डार्ट से होते हुए अपन को चलना है, तो चलो आराम से। अरे यार नीचे गिर गया, मेरे को फिर से करते हैं। डार्ट यार बहुत ही सही टिका के रखे यार, मतलब एक एक स्टेप अपना हो जाएगा इससे। ये वाला थोड़ा सा दूर था, ये वाला भी थोड़ा दूर है, लेकिन हो गया। और ये देखो ये तो चिप्स है यार, ये क्या डोरिटोस है ये, एक बार इसका नाम देख लूँ, हाँ DO कुछ ही लिखा है, तो डोरिटोस ही होगा। तो इससे अपन को होते हुए चलना है गाइस, और ये काफ़ी सही बनाया है वैसे। तो इससे होते हुए अपन आ गए हैं इधर, यू गो फर्स्ट, मतलब इसके कहाँ जाना है। अरे ये तो बैठ गया, ये देखो ये क्या कर रहा है, बैठ ही गया। तो ये तो जाएगा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा कूद के। और मैं आ गया हूँ कूद के यार, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं, और मुझे लग रहा है बिल्कुल सही आया हूँ मैं। साइंस क्लास की तरफ बढ़ेंगे गाइस अब हम लोग। तो ये है हमारी साइंस क्लास, ये क्या है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है यार इधर। ये देखो क्या ये बिजली ले रहा है, ये क्या ले रहा है यार स्पेस से। और नीचे क्या है, अच्छा इसकी बात कर रहा था, ये तो पूरा ब्लैक होल ही बना दिया यार इसमें। तो ये पता नहीं कौन है दिमागदार, जिसने साइंस का पता नहीं क्या खेल खेला है, कि इधर ब्लैक होल आ रहा है, ऊपर से बिजली आ रही है। तो हमें यार बिल्कुल देख के करना पड़ेगा। और ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक है यार, मतलब चक्कर आ रहे हैं इसको देख के, इसलिए मैं ना थोड़ा ऊपर देख देख के खेल रहा हूँ। आप भी ना ज़्यादा नीचे मत देखना, वरना आप पता नहीं बैठे बैठे गिर जाओ। तो ये जो भी है, इसके हम आ चुके हैं एंड तक, और बगल में क्या सूरज घूम रहा है, इससे थोड़ा दूर से जाएंगे। तो ये हमने ले लिया चेक पॉइंट गाइस, और अब हमें जाना है इन पिलर्स के ऊपर से। तो ये वाला पिलर तो बहुत दूर लग रहा है, लेकिन मैं आ गया हूँ, मुझे लग रहा था नहीं पहुँच पाएगा। अब पता नहीं किस पे जाना है, इस पे चल के देखते आगे हैं। और अब अपन चलेंगे आगे की तरफ, और बस थोड़ा सा ये भी हो गया। चलो ये हो गया गाइस, हम नेक्स्ट चलते हैं। गेट खोलो, और ये क्या लेज़र है,
और बहुत ही क्या लेजर बनाया यार ये, ऊपर नीचे बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो। और ये देखो कैसा बना, पूरा बराबर गाइस, बिल्कुल बीच में कूदना पड़ेगा मुझे। और इसके आगे देखो लेजर के आगे लेजर रखा है, मुझे दोनों को पार करना पड़ेगा। बच गया, बस ये वाला भी हो जाए। चलो हो गया गाइस, एग्जिट मारो। और ये कहाँ आ गया मैं, वी है मेड इट आउट। अच्छा हम लोग बाहर आ गए गाइस, लेकिन हमें जाना है ये गाड़ी लेके शायद से, तो ये पहले चेक पॉइंट ले लेते हैं वरना वापस करना पड़ेगा। ये वाली सही लग रही थी वैसे, रोब्लॉक्स वाली, इससे चलते हैं। चलो, और ये मैंने चालू करी गाड़ी, इंजन चालू किया और ये आ चुके हैं। क्या हो गया गाड़ी को भाई, मिट्टी में क्यों रुक गई, ये क्या है, सिर्फ पीछे जा रही आगे नहीं जा रही। मुझे लग रहा है ये वाली गाड़ी ना चलती नहीं है मिट्टी पे, और मैं बाहर भी आ गया। लेकिन फिर से चला के देखें क्या, ये पैसेंजर सीट में आ गया। चलो ये छोड़ो, मुझे लग रहा है दूसरी गाड़ी है गाइस सही वाली। ये वाली गाड़ी ना मिट्टी पे चल नहीं रही है, तो दो ऑप्शन दिए क्यों इन लोगों ने, ये वाली गाड़ी आ जाएगी मेरे हिसाब से। तो ये है, इसके टायर भी अलग है, देखो ये आई सीधा पानी में कूद के, और क्या ही कुदाया है गाइस, मतलब यार गाड़ी टूटी गई पूरी। मुझे लग रहा है और आगे तक ले जानी थी, लेकिन गाड़ी अपने बिखर चुकी है, पानी से पार आ चुके हैं। अब पता नहीं कौन से रास्ते पर जाना है, टनल के साइड जाके देखते हैं पहले। तो ये टनल तो यार एंड है गाइस, यहाँ पे अपन को नहीं जाना है। ये जो बहुत दूर का रास्ता दिख रहा है ना, ये वाला रास्ता पकड़ना है। और यहाँ पे ना पक्के में गाड़ी चाहिए थी मुझे लग रहा है, जो कि अपन ने तोड़ दिए, तो अब अपन को पैदल ही जाना पड़ेगा। तो 200 किलोमीटर दौड़ के मैं आ चुका हूँ गाइस यहाँ तक। और यहाँ पे ना बीच है और विनर्स लिखा है अंदर, तो शायद हमने कम्प्लीट ही कर दिया है फाइनली। आ जाओ अंदर चल के देखते हैं क्या है ये। और ये तो लिफ्ट है यार, मुझे लग रहा है ख़त्म नहीं हुआ अभी। तो ये लिफ्ट से अपन ऊपर नहीं नीचे जा रहे हैं, मुझे लग रहा था ऊपर जाएगा, सारी लिफ्ट ऊपर ही जाती है वैसे। तो यहाँ पे हम नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे एक और गेट है, ये भी खुल गया। ये कैसा खुला यार, बंदे की जान लोगे क्या। और ये हो गया, हाँ ये आ गया अपने जंप पैड, स्पीड पैड। तो ये अपना बैज है, ये अपन ने ले लिया। और ये बोल रहा है सीक्रेट बैज कहाँ मिलेगा, मुझे चाहिए गाइस सीक्रेट बैज। ये कह रहा है अच्छा गेम वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा सीक्रेट बैच के लिए, मैं नहीं खेलने वाला यार, मैं तो बस ऐसे कूदूंगा। और यहाँ देखो कूदा, और ये हो गया है एरर, तो चलो वो भी नहीं कूदेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर मेरी पिछली वीडियोस देखनी है रोब्लॉक्स की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, देख लो दबा के।